तो हेलो दोस्तों, तो मैं आज आपको बताती हूँ कि केदारनाथ जर्नी के बारे में, मैंने केदारनाथ जर्नी अपनी कैसे की, तो आपको भी बताती हूँ कि आप भी कैसे करना और किस बजट में करना। अगर आपके पास बजट नहीं है तो आपको कम से कम बजट में मैं बताती हूँ कि कैसे केदारनाथ यात्रा आप कर सकते हैं। चलो आगे, वीडियो के आगे बढ़ने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि मेरी वीडियोज़ आप तक पहुँच सके और मेरी वीडियो आगे लोगों तक शेयर करना ताकि उनको मेरी इन्फॉर्मेशन मिल सके। तो आगे वीडियो में बनते हैं। गाइस, हम गए थे तीन लोग, दो मेरी सिस्टर एंड तीसरी मैं। तो हम गए थे केदारनाथ, यहाँ से मैं रहती हूँ लुधियाना में, लुधियाना से हम गए थे हरिद्वार। और लुधियाना से जाने की टिकट हमारी होगी थी 500 से 700 तक, क्योंकि वो एसी टिकट थी, कम भी हो सकती है, एमरजेंसी में हमने करवाई थी तो हमारी थोड़ी कॉस्टली पड़ गई थी, तो आपकी कम ही होगी। तो आप पहले ही एडवांस में ही पहले आप बुकिंग करवा लेना, फिर आप या फिर आप ऋषिकेश स्टे कर सकते हो या फिर आप हरिद्वार, अगर आपको स्टे करना है। अगर आपको स्टे नहीं करना तो आगे आप जा सकते हो सीधा सोनप्रयाग, हरिद्वार से सोनप्रयाग या फिर ऋषिकेश से सोनप्रयाग। हमने आगे पहुँचे, हरिद्वार पहुँचने के बाद हमने वहाँ पे खाना खाया, खाना खा के हमने वहाँ से सीधा आई, हमने बस पकड़ी। ऋषिकेश तो यहाँ हमारी हालत हो चुकी है एकदम टाइट। सो देख रहे हो, देखो व्यू, दिखाते हैं अबे, दिखेगा या नहीं दिखेगा, दिख रहा है वो, देखो आई होप दिख रहा होगा। रह जा मैनू दूर किते जिथे पानिया दे रंग ने नीले, जिथे पत्थर दे आ झल्ला वजदियां ने, दुनिया वाले जालिम ने आपां इक दुनिया लब लईए, जिथे दूर दूर तक कोई ना होवे। बस पकड़ी हमने ऋषिकेश की, ऋषिकेश से रूम हमारा मिल गया था 700 से 600 तक हमें मिल गया था ऋषिकेश में रूम, तो रूम भी बहुत अच्छा था, कंफर्टेबल था, तो आपको भी मिल जाएगा रूम, उसमें एक ही रूम में एडजस्ट किया था। और फिर हम ऋषिकेश रहे, वहाँ पे जाके हमने मस्ती की, बहुत सारा टाइम स्पेंड किया और बहुत सारी हमने वहाँ पे जगह देखी और हमने झूला भी देखा था। सोनप्रयाग का हमारा किराया था 5000, टैक्सी में था, बस में तो आपको 400-500 तक बस की टिकट मिल जाएगी एक वन पर्सन की, तो हम 2% और ऐड करते हैं तो हमारी इसलिए 5000 हो गए थे, तो हमने डिवाइड कर लिया था। तो ऐसे ही हमने बहुत सुंदर सुंदर जगह पे, हम अगर हम टैक्सी करते हैं तो हम अपनी मर्जी से ही रोक सकते हैं, कहीं भी फोटोज़ वगैरह खींचनी हो, वीडियोज़ वगैरह बनानी हो तो हम रोक सकते हैं गाड़ी को। तो हमने वहाँ पे बहुत सारी फोटोज़ वगैरह खींची, हमने वहाँ पे बहुत सारा घूमा, तो आप देखिए हमारी क्लिप्स वगैरह। दिख ही नहीं रहा, साधन है उसका। फॉल से हमें बहुत मजा आया सोनप्रयाग में ही, और हमने उसके नेक्स्ट डे पे, तो अगर आपको रुकना है तो आप रुक सकते हो, वरना आपकी मर्जी, आप सीधा ही सीधा चलते चलो गौरीकुंड। और हमने फिर अगले दिन सुबह चार बजे हमने यात्रा की थी, यात्रा स्टार्ट करी थी सोनप्रयाग से गौरीकुंड, गौरीकुंड से सोनप्रयाग से गौरीकुंड किराया है टैक्सी में 30 रुपये,
30 रुपये किराया पर पर्सन। और हमने फिर वहाँ से टैक्सी ली और हमने बहुत मज़े, हम पहुँच गए यात्रा स्टार्ट करने के लिए गोरीकुंड से केदारनाथ। तो केदारनाथ की यात्रा इतनी अच्छी थी हमारे, इतना मज़ा आया हमें। तो आप देखिए हमारी टिप्स वगैरह, तो आपको भी पता लगेगा कि कैसे कैसे क्या क्या होगा। सब इंजॉयमेंट किया तो हम पहुंचे रात को 11 बजे वहां तक, क्योंकि हम तो हमारी स्पीड बहुत कम थी तो हमने थोड़ा थोड़ा टाइम स्टे करके तो आगे गए हम। तो फिर रात को 11 बजे पहुंच के हमने वहां पे होटल लिया। होटल लेने के बाद हमने वहां पे खाना खाया। तो खाना खाने के बाद सुबह उठते ही हमने पहले केदारनाथ बाबा के दर्शन किए। तो वहाँ पे केदारनाथ बाबा का मंदिर इतना अच्छा था, इतना मज़ा आया, इतनी सुंदर जगह कि ऐसे मानो कि हमने दुनिया घूम लेना। तो इतनी सुंदर जगह हम कहीं पे भी नहीं देखते। तो हमने वहाँ पे बहुत ज़्यादा मज़े किए, बहुत सारी वीडियोस बनाई, केदारनाथ बाबा के अच्छे दर्शन हुए हमारे। तो वहाँ पे इतना रश नहीं था, कम से कम 100 बंदा होगा बस इतना ही था, क्योंकि उस टाइम सीज़न ऑफ था। हम गए थे जुलाई की स्टार्टिंग में गए थे, तो उस टाइम सीज़न ऑफ था, बारिशें वगैरह पड़ रही थी, तो इसलिए हम वहाँ पे गए, इस मौसम में गए। तो अगर आपको यात्रा करनी है गोरीकुंड से केदारनाथ, तो आप खच्चरों से भी कर सकते हो, घोड़े वगैरह ले सकते हो, या फिर आपको हेलीकॉप्टर से करनी है तो आप हेलीकॉप्टर से भी कर सकते हो। हेलीकॉप्टर का भी किराया उतना ही होगा जितना वो घोड़े का होगा, थोड़ा सा कम ज़्यादा होगा, तो इतनी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको। तो अगर आपको, आप जिसमें भी कंफर्टेबल हो आप उसमें जा सकते हो। तो चढ़ाई कम से कम 22-23 किलोमीटर होगी, तो आप चलते चलते तो थक जाओगे, पर आपको इतनी अच्छी अच्छी जगह देखने को मिलेगी कभी ज़िंदगी में नहीं आपने देखी होगी। तो ऐसे ही हमारी क्लिप्स देखें और आप भी मज़े लें, और आप भी केदारनाथ यात्रा प्लीज़ जरूर करें कि आपको भी बहुत मज़ा आए। और आपका बजट अगर सीजन ऑफ, मुझको बुलाने वालों की उम्रें निकल गईं, लेकिन मैं तेरे एक इशारे पे आ गया। जाते हो तो आपका बजट होता है 6,500 तक, आप आराम से घूम सकते हो खुले खर्चे में। और जितने दिन आपको हमने बताया कि हमने 3 दिन में यात्रा की, यानी मीन्स एक दिन स्टे किया, तो इसलिए हमारा ज़्यादा टाइम लग गया। आप 1 या 2 दिन में अपनी यात्रा कंप्लीट कर सकते हो, तो आपको अच्छे दर्शन होंगे बाबा केदारनाथ के, तो आपको भी जरूर करनी चाहिए। और जिसने यात्रा किया है तो मुझे कमेंट में जरूर बताना। और दर्शन वगैरह करके हम थोड़ी देर वहाँ पे बैठ गए, बैठने के बाद हमने वहाँ पे व्यू देखा, बहुत ही अच्छा था, बहुत ही सुंदर व्यू था कि जिसको मैं अपने शब्दों में बता ही नहीं सकती। और फिर हम केदारनाथ की यात्रा पे वापस आ गए। पलका क्या खाना है? जो मर्जी मिल जाए, तो जो मर्जी मिल जाए। हर हर महादेव। हो गए हमारे दर्शन, बहुत बहुत अच्छे। ये तेरे कैसे हुए? मेरे तो बहुत अच्छे हुए। मैंने सोचा भी नहीं था कि मैं इतनी जल्दी यहाँ पे आ जाऊंगी, पर फिर भी बहुत मजा आया, बहुत एंजॉय किया। आप सब भी यहाँ पे जरूर आओ, बहुत मजा आएगा। कितने तो ये तो बस इंजॉय बालू बंदर की है, बहुत मजा आया। आप सब भी आना, बाय बाय केदारनाथ। आप आना, वापस आएंगे हम लोग भी, और अपना अपना शेयर करना कमेंट्स में, कैसे लगा कैसे नहीं लगा। क्यों है ना? हाँ। मौसम बहुत मस्त है, 5 मिनट में धुंध पै गई एकदम, कुछ नहीं दिखाई दे रहा, कुछ भी नहीं। इन लोगों को सलूट है यार, हम सालों बैग नहीं उठा पाते, ये बंदे को लेके जाते हैं, मोटा पतला जो मर्जी हो जाए यार, है ना गिट्टू? बेचारी का रेनकोट खो गया, बोरा लेना पड़ा इसको फिर। होए होए।
सच्ची यार मुकाल हो गया यार इसके साथ तो आज। तो वापस आने से हमें टाइम बहुत लग गया, तो हमें 6 से 7 घंटे लग गए। और फिर हम वहाँ पे आते थे, रात का नज़ारा देख रहे थे, बहुत ही अच्छा था। कुछ कुछ जगह पे डर भी लग रहा था। और फिर हमारी यात्रा पूरी कंप्लीट हुई, तो हमने के बाद वहाँ से टैक्सी, रात को 11 बजे के बाद वहाँ से टैक्सी मिलनी बंद हो जाती है, तो हमें 11 बजे तक वहाँ पे पहुँचना होता गोरीकुंड तक। तो गोरीकुंड हम पहुँच गए 11 बजे तक, मुश्किल से पहुँचे, बहुत ही स्ट्रगल किया हमने, तो हम पहुँच गए। खाया हुआ सोनप्रयाग होटल जिस पर हमने पहले ही रहे थे। वहीं पे हमने अपना सामान रखा हुआ था, तो सुबह उठते ही हम वहाँ से सीधा चले हरिद्वार। हरिद्वार में भी हमने एक रूम लिया और स्टे किया, तो स्टे करने के बाद हम वहाँ पे भी हमने थोड़ा बहुत इंजॉय किया। और हमने और सुबह उठते ही हम सब तैयार होकर ये फोटो भी लेंगे भैया, वहाँ पे चले गए हल्की पौड़ी में स्नान करने हरिद्वार। हरिद्वार में स्नान किया, थोड़ी थोड़ी वीडियोस बनाए, मज़े किए, खाया पिया कुछ। और हमारे ट्रेन का टाइम हो रहा था और हम घर पे वापस आ गए। तो इस वीडियो में मैंने आपको बता दिया बजट, और इस वीडियो में मैंने अपनी क्लिप्स दिखा के वीडियोस दिखा के आपको बता दिया कि कितना इन्जॉयमेंट कर सकते हैं हम वहाँ पे। हमारे केदारनाथ बाबा इतने सुंदर हैं, तो आप भी देख सकते हैं। ऐसी नई नई वीडियो लाने के लिए मुझे सब्सक्राइब कर लो, और ताकि मैं इससे भी अच्छी अच्छी वीडियोस आपके सामने लाऊं, अपनी जर्नी बताऊं कि मैं कहाँ कहाँ घूम के आई हूँ, कहाँ कहाँ वहाँ पे इतना अच्छा अच्छा व्यू है, और आपका कितना बजट होगा। तो थैंक यू।